नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। कोरोना के कारण जहां आम लोगों में खौफ है, वहीं निजी अस्पतालों में भी डर का माहौल है। यही कारण है कि निजी अस्पताल सामान्य बीमारी से पीड़ित मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब सीएम गहलोत ने निजी अस्पतालों को दो टूक निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद अब मरीजों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। देखिए क्या है पूरा मामला। प्रदेश में लगातार निजी अस्पतालों की तरफ से मरीजों के साथ दुर्व्यवहार के मामले सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अन्य बीमारियों के मरीजों की भी तादाद कम नहीं है। पर परेशानी की बात यह है कि कोरोना के खौफ के कारण निजी अस्पताल सामान्य मरीजों को इलाज मुहैया नहीं करा रहे हैं। ऐसे में आमजन को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। लेकिन इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए अब प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है, यदि कोई निजी अस्पताल उनके पास आए मरीज का इलाज नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। सीएम अशोक गहलोत ने निजी अस्पतालों को दो टुक कहा है कि यही वक्त है ये दिखाने का कि ये निजी अस्पताल वास्तव में जनता की सेवा करना चाहते हैं या सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें इलाज के अभाव में कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन शायद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये चेतावनी इन निजी अस्पतालों को सही राह पर ला पाए।